हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर। सो आज हम बात करेंगे ऑन द फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशन। तो आज हमारा है फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशन और आज हम बात करेंगे वेलोसिटी और वी विल ट्राई टू टच एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे इफ टाइम अलाउज। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ये चीज पढ़ी थी। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड और स्पीड को हमने डेप्थ में पढ़ा था। तो आज हमें वेलोसिटी पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि वेलोसिटी इज सिमिलर टू टाइम। और स्पीड के बारे में उस दिन एक बात बतानी रह गई थी पिछले लेक्चर में, दैट लेट मी टेल यू, स्पीड इज डिनोटेड बाय वी। स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, ये बात कॉपी कर लो नोट्स में अगर आप बनाते हो। सो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ खास फर्क नहीं है स्पीड से, ऑलमोस्ट सेम है। वेलोसिटी इसको हम डिनोट करते हैं वी एरोहेड क्योंकि ये वेक्टर है। सो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या था, पहले स्पीड से रिलेट करते हैं वेलोसिटी को, तभी अच्छे से समझ में आएगा। स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो वेलोसिटी सिमिलर ही है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब समझ में आया व्हाई वाज आई सेइंग कि स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, दे आर रिलेटेड लाइक दैट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या मिल गई हमें, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट सेम है, बस फर्क इतना है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज द रेट of change of distance, okay? और इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं होगी, because it is very similar to speed, और speed अगर आपने अच्छे से समझ लिया था, then there is no problem. अब हम चलते हैं आगे, आगे इसकी कुछ specifications discuss कर लेते हैं। It is a vector quantity, ये हो गया, इसका मतलब it has a direction, इसका मतलब इसे direction से मतलब है, डायरेक्शन के बिना इसका काम नहीं होता। ओके, इसकी डायरेक्शन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। टाइम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे हम, क्योंकि टाइम को हम कभी भी जीरो नहीं ले सकते। अगर हमने टाइम को जीरो ले लिया फिर तो दिक्कत हो जाती है। सो इससे हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव 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 से डिवाइड करें, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। और अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर, जो हमारा लेक्चर 3 था, वो पूरा स्पीड पे डिवोटेड था और उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि ये क्या है। सो यू कैन गो देयर एंड वॉच इट, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बिकॉज आज वेलोसिटी हम ज़्यादा डेप्थ में आसानी से जा पाएंगे क्योंकि हमने स्पीड को डेप्थ में पढ़ लिया है एंड वेलोसिटी इज वेरी सिमिलर टू स्पीड। सो यू नीड टू नो अबाउट स्पीड फर्स्ट, उसके बाद वेलोसिटी के बारे में जानना। सो आगे हम अपन ने ये भी पढ़ लिया है। अब जैसे डिस्टेंस,
जैसे हम बोलते हैं कि डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, ये अगर हमने डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ये बात हमने करी थी। सिमिलरली स्पीड इन अ डायरेक्शन इज वेलोसिटी, ओके, सो स्पीड इन अ डायरेक्शन इज वेलोसिटी, मतलब अगर हमने स्पीड को एक डायरेक्शन दे दी वो वेलोसिटी है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के फंडामेंटल्स अप्लाई होंगे कि जो शॉर्टेस्ट यूनिक पाथ पे, जो शॉर्टेस्ट यूनिक पाथ होता है उसकी स्पीड वेलोसिटी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट यूनिक पाथ होता है वैसे ही वेलोसिटी इज द स्पीड ऑन द शॉर्टेस्ट यूनिक पाथ, जो शॉर्टेस्ट और यूनिक पाथ होता है उस पर जो स्पीड होती है दैट इज वेलोसिटी, ओके। फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्प से लिख रहा हूँ, लाइक डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। सिमिलरली वेलोसिटी कैन बी लेस देन इक्वल टू स्पीड, बात समझ में आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम होगी या उसके बराबर होगी। सिमिलरली वेलोसिटी या तो स्पीड से कम होगी या उसके बराबर होगी, ओके। सो दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी देखा आप कितनी जल्दी से समझ में आ गया, ओके। नाउ लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, लाइक हमने स्पीड के टाइप्स की बात करी थी, देन वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और वो जो हम डिस्टेंस करेंगे दैट वी विल डू विद एन एग्जांपल। सो अगेन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जनरली जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब हम एक चीज़ की वेलोसिटी बताते हैं देन वी टेल द एवरेज वेलोसिटी, हम जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी बताते हैं इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, ओके। लाइक अगर एक चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, वही एग्जांपल ओ टू ई वाला, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 10, यहाँ पर 8 ले लो, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 चली गई, यहाँ पर 2 चली गई, ओके। अब ये इसकी वेलोसिटी थी, सो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इनका सम अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, सम ऑफ देम अपॉन 5, सम क्या आएगा इसका? 20, 20, 40, 40, 70, 57 अपॉन 5, 10.4 मीटर पर सेकेंड, 10.4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, 11.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं दैट इज द एवरेज, जब भी हम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी की बात करते हैं दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन द ओवर डिस्टेंस द वेलोसिटी इज सेम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह, जब वेलोसिटी डिफरेंट होती है इसकी तरह, ओके। ये सब चीज़ें हमने स्पीड में कवर करी थी, कुछ खास फर्क नहीं है। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है देन आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, पहले स्पीड वाला लेक्चर देख के आओ, उसके बाद ये लेक्चर देखो, तभी समझ में आएगा। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, ओके। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गई, हमने कहा कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो
ये बात तो हो गई वेलोसिटी। ऑल दिस डिस्कशन वर अबाउट वेलोसिटी। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके सो स्टार्टिंग से ही हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, लेट अस चेंज द कलर, ब्लू यूज करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट गया बी पॉइंट पे, वहां से सी पॉइंट पे, वहां से डी पॉइंट पे, वहां से ई पॉइंट पे। ओके ये पाथ फॉलो करा है उस ऑब्जेक्ट ने। ओके सो ये था 5 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स एंड लेट अस टेक टू बी 4 किलोमीटर। ओके सो ये पाथ फॉलो करा है उस ऑब्जेक्ट ने जो यहां से ए से ई तक गया, और उसको इतना सब करने में को इतना सब करने में लेट अस टेक उसको 3 घंटे लगे। ओके बंदा थोड़ा स्लो था, उसको इतना करने में 3 घंटे लग गए। सो लेट अस चेंज द वैल्यूज, हमारा आंसर कुछ अच्छा नहीं आएगा ऐसे। लेट अस चेंज द वैल्यूज, यहां पर हम इसको भी 5 रख लेते हैं, इसको भी 5 रख लेते हैं, और लेट अस टेक उसको 5 घंटे लग गए। ओके बेटर। सो व्हाट इज द स्पीड ओवर हेयर, यहां पर मुझे स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी। सो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस, 5 5 5 5 20 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्लो, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब यहीं पर अगर मैं कहूं इसी सिनेरियो में मुझे वेलोसिटी बताओ, इसी सिनेरियो में मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी। सो 5 किलोमीटर, अब वेलोसिटी क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इसकी, डिस्प्लेसमेंट उसकी ये हुई है, ये पाथ जो होगा उसकी, ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ होगा, दिस पाथ, ये मैंने नीचे डिनोट करा है वैसे, जो ये वाला पाथ होगा इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये एक रेक्टेंगल बनता दिख रहा है हमें, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ऑब्वियसली बात है ये भी 5 हो जाएगा, 5 5 10। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई 10 किलोमीटर की, टाइम लगा 5 मिनट, तो वेलोसिटी कितनी हुई इसकी, 2 किलोमीटर पर आवर। इसी एग्जाम्पल से सोचो, यहां पर आपका एक दोस्त था, वो साइकिल से निकला आपके घर को, यहां पर आप वेट कर रहे थे, तो उसके लिए उसने जो उसके लिए तो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही, क्योंकि उसके उसने यहां पर आइसक्रीम पार्लर चला गया, फिर वो पिज्जा पार्लर चला गया, सो उसके लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कर रहा था, लेकिन आपके लिए क्योंकि आपने को आपको तो लगा कि वो सीधा घर पे आया, तो आपके लिए वो 2 किलोमीटर पर आवर था। ओके सो दिस इज अबाउट वेलोसिटी, डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ओके और अगर आपको इस तरीके के और न्यूमेरिकल्स चाहिए, इफ यू वांट सच न्यूमेरिकल्स मोर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल पोस्ट देम इन द टेलीग्राम चैनल विद देयर सॉल्यूशंस। मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दो नीचे, आई विल पोस्ट देम इन द टेलीग्राम चैनल, मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा एंड यू कैन सॉल्व एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो नाउ अब हमने वेलोसिटी के बारे में जान लिया, अच्छे से जान लिया, अब हम वेलोसिटी के बारे में जान चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अंतर भी हमें क्लियर हो गया। सो अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, पहली बात इसकी डिनोटेशन बता देता हूँ, फिर मैं बाद में भूल जाऊँ। ए एरोहेड। अब इससे एरोहेड से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चीज तो हमें पहली पता चलेगी इसके डिनोटेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी तक हमने क्या करा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अभी तक हमने ये सारी चीजें करी थी। ओके अब यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया। अब आप कहोगे ऐसे ही जैसे हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी। अब आपने कहा है कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन है तो स्पीड का क्या होता है, स्पीड का ऐसा कुछ नहीं होता, स्पीड की हमने ऐसी कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं करी है, सिर्फ वेलोसिटी की करी है। और वैसे भी जब आप आगे आगे फिजिक्स में जाओगे, व्हेन यू विल गो फॉरवर्ड इन फिजिक्स, आप वेलोसिटी ज़्यादा यूज करोगे, आपको वेलोसिटी से ज़्यादा काम पड़ेगा, स्पीड से ज़्यादा काम नहीं होता, स्पीड का इतना मेजर रोल नहीं है फिजिक्स में, वेलोसिटी का ज़्यादा है। ओके सो एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो लाइक हमारी गाड़ी के अंदर एक एक्सेलरेटर होता है, ठीक, तीन चीजें होती है ना, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, एक्सेलरेटर हमारी बॉडी को, हमारी कार को एक्सेलरेट करता है, उसको स्पीड देता है, मतलब वो उसकी स्पीड बढ़ाता है, मतलब स्पीड या वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर देता है, इट एक्सेलरेट्स द कार, वो उसकी वेलोसिटी बढ़ा देता है। सो दैट इज अ एक्सेलरेटर। ओके सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। सो इसका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट इज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, यहां हमने कहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो आई है माइनस जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी एक्सेलरेट करने से पहले अपॉन टाइम। सो इट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। सो फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, स्टैंडर्ड नोटेशंस है याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। सो फॉर्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। ओके याद रखो इस चीज को, ये होता है हमारी वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों डिनोमिनेटर में आगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, हम इसे ऐसे बोलते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एम एस नेगेटिव टू, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता, इट इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड। लाइक हम स्क्वायर फीट को ऐसे लिखते हैं ना, फीट स्क्वायर, जो ये होता है कि फीट इंटू फीट, उसको हम स्क्वायर फीट लिखते हैं, उसी तरीके से सेकंड इंटू सेकंड को हम स्क्वायर सेकंड बोलते हैं। ओके
सो दिस इज एक्सेलरेशन। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब पहली स्पेसिफिकेशन तो हमें इसकी डिनोटेशन से ही पता चल रही है, दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, देन अगेन स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें ना ये चीज करने की जरूरत नहीं है जो हम ये करते आ रहे हैं ना, प्लस माइनस जीरो अपॉन प्लस प्लस प्लस, ये चीज हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम इतनी बार ये कर चुके हैं कि अब हमें समझ में आ गया है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास डायरेक्शन होती है। अब स्केलर क्वांटिटी ऐसे हम ये भी डिनोट निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन है इसके पास, डायरेक्शन क्या टिक है मतलब इसके पास डायरेक्शन है। अब क्या होता है कि अब डायरेक्शन है इसका मतलब उसकी जो, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी होती है इसका मतलब कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्शन को कंसिडरेशन में ले लिया। मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन है ये हमारे कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन है, यहाँ से इस साइड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। अब अगर किसी ने मेरे को कहा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो तो यहाँ पर लाई करती है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ऐसी चीज नहीं होती क्योंकि वहां पर हम डायरेक्शन कंसिडरेशन में ही नहीं लेते। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ में आ गई इतनी बात? अब यहां पर हमने जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है ना, जो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, इसको हमने एक यूनिक नेम दे दिया। इसको हमने कह दिया कि ये आप कह लो इसको रिटार्डेशन, कह लो इसको रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रही है मतलब जब आपने ब्रेक लगा दी, लाइक आपकी गाड़ी चल रही है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी स्लो होती है, मतलब वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, गाड़ी स्लो हो रही है मतलब स्पीड स्लो हो रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। अब अगर किसी चीज की स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। ठीक है, सो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन तो है, वहां पर फाइनल वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी, वहां पर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो जाएगी। ऐसे केस में जब आपने ब्रेक्स अप्लाई करी तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी, आपकी चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो गई अपॉन टाइम। इसका मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी चीज को, हम स्लो डाउन कर देते हैं, तब हम उसे रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहते हैं। अब एक सवाल उठता है कि जो चेंज हो सकता है वेलोसिटी में वो सिर्फ कम ज्यादा का हो सकता है या कोई और भी चीज से हो सकता है? हाँ, एक और चीज से हम वेलोसिटी में चेंज लेके आ सकते हैं। क्या चीज है वो? क्योंकि ध्यान रखो वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो एक मेजर रोल प्ले करती है इसमें, वेक्टर्स में डायरेक्शन एक मेजर रोल प्ले करती है। इसका मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मान लो एक चीज इस डायरेक्शन में चल रही थी, एक चीज चल रही थी इस डायरेक्शन में, वो एकदम से इस डायरेक्शन में चलने लग गई, उसने खुद को टर्न कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इससे भी हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? एक चीज तो हमने कह दिया कि हमने उसकी जो मैग्नीट्यूड था हमने मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कर दिया, हम डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, वेक्टर है तो इसका एक पार्ट डायरेक्शन भी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी इसका एक पार्ट है। अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, जैसे पहले अगर एक चीज इस डायरेक्शन में चल रही थी मतलब वो, और उसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 मीटर पर सेकंड था, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट हो गई, अब हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे चलने लग गई, ये ऐसे चलने लग गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हमने उतना ही रखा बट ये नॉर्थ हो गया,
ये नॉर्थ हो गया, इसका मतलब चेंज आ गया, चाहे वो मैग्नीट्यूड में है चाहे डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुई है। सो इस पे ना ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ज्यादा मायने नहीं रखती ये चीज, बट एक जगह इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन के आता है, काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट इस पे 10 मीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है हर जगह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देखो, 10 मीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड से वो मूव कर रहा है। बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन है या नहीं है? इस सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, मैं कहता हूँ हाँ है। क्यों है? पहले देखो, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करो हर चीज का। टेंजेंट क्या होता है? हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल के सरफेस को एक पॉइंट से टच करके जा रही है। लाइक ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करके जा रही है, वो एक टेंजेंट होता है। सो हर चीज का एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, हर पॉइंट का, और वो उसकी डायरेक्शन होती है, वो उस पॉइंट की डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर एक फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है जो उसको सेंटर की तरफ खींचती है, वो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब अगर हम वो फोर्स हटा दें तो वो ऑब्जेक्ट वहां से टेंजेंटली चला जाता है, उस टेंजेंट के थ्रू, टेंजेंट के पाथ पे चलता है, तो टेंजेंट हमें उसकी डायरेक्शन दे देता है। अब मानो इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स को थोड़ा और डिप्थ में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। अब एक चीज है, वो ऐसे जाना चाह रही है, उसको एक फोर्स अंदर की साइड भी लग रही है बिल्कुल 90 डिग्री उससे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक टेंजेंट एक सर्कल के रेडियस से हमेशा 90 डिग्री होता है, ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है। अब मान लो इसको हैंड से विजुअलाइज करो, ऐसे जा रहा है मेरा हैंड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में चलने को टेंड कर रहा है। अब यहां पर एक फोर्स है जो बिल्कुल उसके 90 डिग्री यहां पे चल रही है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां को भी जाना चाह रहा है, यहां को भी खींच रहा है, मतलब वो यहाँ पे स्लांटिंग डायरेक्शन में जाएगा। समझो, अभी यहां पर ये ऐसे जाना चाह रहा है ऑब्जेक्ट, ये डॉट एक ऑब्जेक्ट है, तो वो यहां से इधर को चला जाएगा, वो स्लांटिंग वे में चला जाएगा, 45 डिग्री पे चला जाएगा। अब वो यहां पर आ गया, अब यहां पर डायरेक्शन इस तरफ को ऐड कर रही है, और यहां पर अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मुड़ जाएगी, अब इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी मुड़ जाएगी, अब वो और ऐसे जाएगा। ऐसे करते करते ऐसे हर एक पिको सेकंड के, हर एक पिको मीटर के बाद वो अपनी वो चेंज करती है, वो अपना एंगल चेंज करता है, अपनी मोशन चेंज करती है, हर एक मतलब इतना सा सर्कल ड्रॉ करा है, इसमें कम से कम करोड़ों बार उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। इतनी सी आर्क, जो इतनी सी भी आर्क है ना, इसमें भी करोड़ों बार उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, अगर हम मैग्नीफाइंग लेवल पर देखें। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। अभी मैं जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, मतलब चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें मैं ये चीज़ अच्छे से बता दूंगा, तब और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम थोड़े एक्सटिविटी ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ लेंगे और इक्वेशंस भी कर लेंगे, सो उससे समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना समझो कि यूनिफॉर्म की सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, अब एक और बात, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होती, ये बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ अच्छा रहेगा। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होती, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन होगी, इसका मतलब या तो स्पीड चेंज हुई है या वेलोसिटी चेंज हुई है। एक्सेलरेशन होगी इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हुई है, एक्सेलरेशन हुई मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। अब वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब
मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया या कुछ भी हुआ, चेंज तो हुआ ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है कि अगर एक चीज 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट चल रही है तो वो 10 मीटर पर सेकंड अगले 10 मीटर की वो अगले एक, अगर एक चीज एक, अगर एक चीज 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट से चल रही है तो वो अगले एक घंटा इसी स्पीड से, मतलब वो इसी स्पीड पे अगर चलती रहे उसी डायरेक्शन में, उससे ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना। अब एक्सेलरेशन आई मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो गया या मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ओके, एक्सेलरेशन आई मतलब डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हुआ, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन ब्रेक हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन गया। सो एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन कभी भी इकट्ठे नहीं रहते, दोनों में बहुत बड़ा गैप है, उन दोनों की दुश्मनी है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या देता है, या तो तू मेरी साइड आ जा या तो एक्सेलरेशन की साइड चला जा, या तो तू मेरे हिसाब से चल। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हुआ, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक्सेलरेशन आ गई, सो दोनों भाई भाई है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ओके, सो अभी हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी डिस्कस कर देते हैं, ऑल दो वी आर अबाउट टाइम, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं, पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देन अगली बार हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह से स्टार्ट करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक भी अच्छे से हो जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा जो मैं आज भूल जाऊँ बताना जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो वो मैं अगली बार बता दूंगा अगले लेक्चर में। सो लेट अस इरेज इट ऑल, सारा इरेज कर देते हैं। नाउ लेट अस मूव। सो एक्सेलरेशन के भी वही टाइप्स होते हैं जो वेलोसिटी के टाइप्स होते हैं या जो स्पीड के टाइप्स होते हैं, लाइक एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन, जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम एवरेज की बात करते हैं। सो जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम एवरेज की बात करते हैं। ओके, लाइक ये ओ टू ई, ए बी सी डी, यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड से थी, यहाँ पर 4 से थी, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। ओके, सो ऐसे करके चेंज हो रही है, इसका मतलब एवरेज क्या होगा, सम अपॉन 2। ओके, सो एवरेज एक्सेलरेशन सिमिलर एज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वही यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही चीज, अगर एक ऑब्जेक्ट हर बार हर सेकंड 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन को ये मत कह देना कि ये सेम चीजें हैं, नो, मोशन में इंक्लूड होती है स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उससे एक लेवल ऊपर की चीज है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन में फर्क होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अभी एक चीज 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है 10 सेकंड तक, अगर 10 सेकंड तक उस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब वो आगे जाकर, बताता हूं मैं एक मिनट, 10 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का, ठीक है, वही मैं सोचूं कि कोई तो क्वांटिटी मिसिंग है, तो ये 10 सेकंड बाद 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी अगर उस पर 10 सेकंड तक 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। बट वहीं अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट 10 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड कोई भी चेंज नहीं आएगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा, सो 10 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड से चलेगा, ये डिफरेंस होता है, समझे। ये जब ये हवा आगे जाकर
इक्वेशंस और ग्राफ करेंगे उससे और ज्यादा क्लियर होगा, ग्राफ से स्पेशली, क्योंकि ग्राफ इज द बेस्ट वे, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी जो ये बच्चे हैं ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप भी अभी हो सकते हो, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ग्राफ्स जब हम करेंगे ना, देन आई विल रीटच दिस टॉपिक, तब मैं इस टॉपिक को रीटच कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि ग्राफ बहुत बढ़िया चीज होती है समझने के लिए, ये वाला चैप्टर खासकर। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे ये है, ओके। देन हमारे पास एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब एक इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन लग रही है, वो हो जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो सेम चीजें हैं जैसे स्पीड और वेलोसिटी में थी। सो आज का टॉपिक हो चुका है, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। एंड इफ यू वॉन्ट टू कम कॉन्टैक्ट विद अस, देन ज्वाइन अस थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो कीप फॉलोइंग दिस कोर्स इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर फिजिक्स। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।